इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रो मैगनेट्स है वाइड रेंज ऑफ यूजेस ओके सो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज होते हैं इट इज़ नथिंग बट अ क्रेन्स टू पिक अप कार्स इन स्क्रेप यार्ड्स एंड ऑल्सो टू सेपरेट आयन फ्रॉम अ गारबेज डम्प जो हम कचरा डालते हैं वहाँ पे कभी कभी आ, कीले या नुकीली चीज़ें होती है तो ये सेग्रीगेट करना सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इतना बड़ा कचरा होता है अगर आप मुंद्रा का ही कचरा इमेजिन करो जहाँ जहाँ पे ये कचरा इकट्ठा होता है तो उसमें से लोहे की चीज़ें जमा करना अलग करना उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है फिर स्क्रैप यार्ड स्क्रैप यार्ड मतलब क्या होता है जहाँ पे लोहे का कचरा वगैरह जमा होता है जैसे कि पुराने कार्स या पुराने बार्स जो होते हैं ना लोहे के बार्स वहाँ वहाँ पे तो उसमें से कार को उठाना है तो जो कार इट इज़ वेरी हैवी सो हाउ क्रेनस पिकअप करते हैं कैसे क्रेन्स इलेक्ट्रो की तरह बिहेव करती है मैगनेट अट्रैक्ट्स आयन सो इट विल अट्रैक्ट द कार एंड इट विल लिफ्ट इट अप ओके Also it is used in लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर में यूज़ होता है टेलीफोन्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है अगर आपके पास लैंडलाइन है और अगर वहाँ पे आप उसका जो स्पीकर वाला पार्ट है वहाँ पे आप लोहे की कुछ चीज़ लेके जाते हैं तो उसे चिपक जाती है बिकॉज देर इज़ इलेक्ट्रो मैगनेट इन इनसाइड द टेलीफोन देन इलेक्ट्रिक फैंस वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रो मैगनेट का यूज़ होता है इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिक बेल्टो इलेक्ट्रिक बेल्ट में भी ये यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल के वर्किंग के लिए मैं एक वीडियो की लिंक शेयर कर रही हूँ वो आप पढ़ेंगे ओके सो इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग इज इन द वीडियो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइग्राम जो हर टाइम आएगी ही आएगी सो देर इज स्टेप वन आ, वो जो डायग्राम है जब आप पुश करते हो बिल का बटन आपको लिए आ, आपको इसके लिए वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बिल का वीडियो देखना पड़ेगा जो लिंक में दी गई है एंड देर इज़ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री ओके एक बार जूम क्लास में मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी ठीक है सो आपका होमवर्क है अभी लेट्स रिमेंबर देन एक्सरसाइज जो है वो पूरा यहाँ तक लॉन्ग आंसर तक यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक आई विल शेयर दी डिटेल्स ऑफ द एक्सरसाइज थैंक यू